I think the beautiful. जल्दी करिए ना। कहाँ थे हम लोग ये बताइए। हम लोग ये समझ गए थे लाइव हुआ नहीं तो चलेगा कैसे। लाइव पे ऐप वहां पे जाइए ना आप। लाइव पे क्लिक कीजिएगा तब क्या रोशन जी। सुनिए इधर क्या सीखे थे कल बताइए। ठीक हम लोग यहां पे चर्चा कर रहे थे कल के क्लास में कि स्टेटमेंट होगा क्या क्या, मतलब स्टेटमेंट में जो मैटर दिया जाएगा वो आपका कोई इवेंट हो सकता है, वो ऑर्डर हो सकता है, ठीक, रिक्वेस्ट हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकता है, यहां तक कल हम लोगों ने बात किया। ठीक अब आगे आता है बात, अगला बात, ठीक है। एक तो आपने कल सीखा था कि एजम्पशन हिडन पार्ट है किसी स्टेटमेंट का, कोई भी ऑर्डर रिक्वेस्ट, कोई रिक्वेस्ट करता है, ऑर्डर देता है, इंफॉर्मेशन देता है, तो वो सारी बातों को नहीं बताता है, कुछ ना कुछ बात क्या होता है हिडन रह जाता है। ठीक है समझ में आ रहा है क्या, मेरा पे जाइए एक सेकंड। तो कुछ ना कुछ बात क्या रह जाता है हिडन रह जाता है, लेकिन क्या सिर्फ इतना कह देने से, इतना कह देने से बात बन जाएगा क्या, बोलिए। ये तो हुआ एजम्पशन है क्या, मेरा नाम आप कैसे सेव किया हम जानते। चलिए ठीक आप जाइए उनके पास, ठीक है समझे। एजम्पशन क्लियर होगा तो एजम्पशन में बहुत सारी और भी बारीकियां हैं जिसको आपको समझना होगा, ठीक है। क्या क्या बारीकियां हैं समझते हैं। देखिए वही भी चीज है, एक होता है क्या एक्शन, एक्शन जो आप लेते हैं, तो कोई भी एक्शन लेने के पहले एक उसमें यह भी जोड़ लीजिए कि ये जो भी इवेंट वगैरह डिस डेट जो भी है, इवेंट है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, ये सबको आप हो सकते हैं एक्शन, ठीक है। यानी स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्शन। एक्शन में क्या क्या हो सकता है भाई, एक्शन जो आप लेते हैं, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आपने एक एक्शन लिया, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो आपने क्या लिया एक्शन लिया, आप किसी से किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आपने एक इनिशिएटिव लिया, आपने क्या लिया एक्शन लिया। समझ में आ रहा है, आप कोई इवेंट कर रहे हैं तो आपने क्या लिया एक्शन लिया। तो जो भी आपका एजम्पशन में स्टेटमेंट होगा वो इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा एक्शन होगा। इन द फॉर्म ऑफ एक्शन मीन्स इवेंट के फॉर्म में हो सकता है, रिक्वेस्ट के फॉर्म में हो सकता है, सबको तो मैं तो आप एक्शन ही लेते हैं। और कोई भी एक्शन लेने के पहले क्या क्या होता है आपको पता है क्या, क्या क्या बोलिए। आप पटना में आए हैं तो ऐसे ही आ गए हैं कि इस एक्शन को लेने के पहले कुछ विचार विमर्श सोच विचार किए होंगे, क्या किए क्या बोलिए ना, कुछ सोचे होंगे ना पटना जाने से, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या टारगेट है, कुछ बोलिए क्या
एसएससी कीजिएगा। आप लोग तो कुछ बोलिए नहीं रहे। कोई भी एक्शन लेने के पहले व्यक्ति उस पर विचार करता है, उस पर सोचता है, और जब विचार करता है तो उसके पॉजिटिव एक्सपेक्ट और निगेटिव एक्सपेक्ट दोनों पर सोचता है। ये बोलना है ना? यस सर, यस सर, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक। तो कोई भी एक्शन आपको लेना है तो उस एक्शन को लेने के पहले आप उसके पॉजिटिव पॉइंट और निगेटिव पॉइंट दोनों पर विचार करते हैं। लेकिन उस एक्शन को जब इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो क्या आप निगेटिव पॉइंट के साथ कभी एक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं? सोचिए जरा। आपको अपने मन से उस निगेटिव पॉइंट को हटाना होगा, नहीं तो आप निगेटिव माइंडेड पर्सन कहलाएंगे, आप एक्शन ले ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं क्या? तो जब सोचते हैं हम लोग, जब उस पर विचार करते हैं, तो विचार करते समय तो पॉजिटिव चीजें भी माइंड में आती है और निगेटिव चीजें भी माइंड में आती है, क्या बोलिए? लेकिन जब फाइनल कंक्लूड करना होता है, जब पटना आने के पहले विचार विमर्श किए होंगे घर में या आप सोचे होंगे, तो पॉजिटिव चीजें भी आई होंगी। नया शहर है, कैसे रहेंगे, ठीक है, ज्यादा होता है। नहीं, नया शहर है, लड़की है, कैसे रहेगी, नहीं रहेगी, बहुत सारा पॉइंट आता है मन में गार्जियन के। लेकिन गार्जियन को फाइनल डिसीजन तो लेना है। लेकिन जब डिसीजन लेना होता है तो उस माइनस पॉइंट को, उस निगेटिव पॉइंट को माइंड से क्या करना होता है? दूर करना होता है। माइंड में लाना होता है क्या? पॉजिटिव पॉइंट। नहीं तो अगर दिमाग में यही घूमते रहे कि लड़की है, अकेला शहर, अकेला अनजान शहर, ठीक है, दिस दैट, तो क्या वो अपने बच्चों को कभी पढ़ने के लिए दूसरे शहर भेज पाएंगे? नहीं भेज पाएंगे। थोड़ी देर के लिए आता है लेकिन फिर उसको साइड करते हैं। ठीक है भाई, सब लोग तो रह ही रहा है, अकेली मेरी बेटी थोड़े है जो पटना जाके रहेगी हॉस्टल में। कितनों के बच्चे रह रहे हैं और कितनों के बच्चे रहकर क्या से क्या कर लिए, क्या? तो हम भी एक मौका देंगे तभी तो ये अपना टैलेंट दिखाएगी या दिखाएगा, बोलिए। और फिर इन सारे पॉजिटिव पॉइंट के साथ वो आगे प्रोसीड कर जाते हैं और ये निर्णय लेते हैं कि नहीं, इसको पटना भेजना चाहिए, एक मौका देना चाहिए, ठीक है। तो एक है एक्शन के पहले का पॉइंट और एक है एक्शन के बाद का पॉइंट। जब वो पटना भेज दिए उसके बाद तो रिजल्ट आ गया, फिर तो कंक्लूजन सामने आने लगेगा। रिजल्ट आ जाएगा मतलब कंक्लूजन, सारी चीजें 100% क्लियर होने लगेगी। जो जो मन में डाउट था, जो जो मन में एजम्पशन था, वो तो पटना आने के बाद धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा। समझ गए? तो फिर तो वो जैसे मामला क्लियर होता जाएगा, वो तो फिर कंक्लूजन बनता जाएगा। क्या आप इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो मन में बहुत सारा पॉजिटिव पॉइंट रखे होंगे, निगेटिव पॉइंट रखिएगा तब तो एक्शन ही नहीं ले पाइएगा। समझ में आ रहा है क्या? एक सेकंड, समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? ऐसा कहा जाता है कि एजम्पशन कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्यों कहा जाता है कि एजम्पशन कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए? एजम्पशन क्या है? आप सोचिए, एजम्पशन पटना भेजने के पहले जो मन में एज्यूम कर रहे हैं कि इसको पटना भेजने में क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या क्या निगेटिव है, क्या क्या इसके साथ अच्छा हो सकता है, क्या क्या बुरा हो सकता है। लेकिन अगर मन में बुरा चीज को रखेंगे, इसको पटना भेजेंगे तो इसके साथ ये घटनाएं घट सकती है, तो क्या हम अपने बच्चों को कभी बाहर भेज पाएंगे? तो मन में निगेटिव पॉइंट होगा तब तो हम एक्शन ले ही नहीं पाएंगे, मतलब इसको पटना भेज ही नहीं पाएंगे। एक्शन तभी ले पाएंगे जब मन में पॉजिटिव चीजें एज्यूम करेंगे कि निगेटिव चीजें एज्यूम। इसलिए एजम्पशन कभी भी निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव चीज एज्यूम करेंगे तो एक्शन ही नहीं ले पाएंगे। और एजम्पशन के बारे में कहा जाता है कि किसी एक्शन को लेने के पहले जो आपके में एजम्पशन आता है, जो आपका चूक करते हैं चीजों को, वो क्या है? एजम्पशन है। एजम्पशन एक्ट के पहले का पार्ट है कि एक्शन के बाद का पार्ट है? एक्शन के पहले का पॉजिटिव पॉइंट कि निगेटिव पॉइंट? पॉजिटिव पॉइंट। निगेटिव पॉइंट होगा तो एक्शन ले नहीं। एक्शन के बाद क्यों नहीं होगा एजम्पशन? एक बार आप एक्शन ले लिए तो उसके बाद तो रिजल्ट सामने आएगा, फिर तो कंक्लूजन आ गया। आप इस बार सीजीएल का एक फॉर्म भरे, एजम्पशन किए, इस पॉजिटिव एजम्पशन किए कि इस बार हम क्रैक कर देंगे, ठीक है। निगेटिव चीज होगा तो ऐसे ही आपका मनोबल डाउन हो जाएगा, आपके मन में निगेटिव चीज चल रहा है, तो आप एग्जाम देने जाने के पहले ही जब निगेटिव माइंडेड हो चुके हैं, तो अगर आपका सिलेक्शन होना भी होगा तो नहीं होगा, क्योंकि आपके माइंड में कचरा भरा हुआ। समझ रहे हैं? पॉजिटिव पॉइंट। तो बात यह है कि आप सोचे
इस बार क्रैक कर देंगे, तैयारी अच्छा है, सारा सब्जेक्ट कंप्लीट है, ये सारा पॉजिटिव माइंड आपके माइंड में आ रहा है, तो ये एजम्पशन है। एग्जाम देने के बाद जब आइएगा तो फिर तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ये आपने कितना क्वेश्चन करा, कितना कटअप जा रहा है इस बार का, वो तो एग्जाम से निकलने के बाद शाम होते होते सब चीज क्लियर हो जाता है। एक्सपर्ट कराया जाता है कि भाई कटअप कितना जा रहा है, आप देख लीजिए मोटा मोटी इतना तक जाने वाला है, तो फिर तो वो कंक्लूजन हो जाएगा कि आपका रिजल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक विद्यार्थी एग्जाम देकर आता है तो बाहर निकलते कि वो बाहर कुछ भी बोले, बाहर तक होता है कि हम तीरे मार दिए हैं, लेकिन उसको पता होता है कि हम क्या करके आए हैं और हमारा हश्र इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि आप एक्शन ले लिए तब तो कंक्लूजन सामने आ गया। इसलिए एक्शन के बाद का पार्ट क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा ना सामने, क्या आप पटना क्या सोचकर आए थे और क्या हो रहा है, रिजल्ट आपके सामने है। तो वो जो पहले सोचे थे वो एजम्पशन था और अब वो हो रहा है कि वो तो आपके सामने है, क्या सोच के आए थे खूब पढ़ेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, समझे 21 साल में नौकरी ले लेंगे, ठीक है, और क्या हो रहा है वो तो रिजल्ट आपके सामने है। तो जो पहले सोचे थे वो एजम्पशन है और अब जो हो रहा है वो जो पहले सोचे थे उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। क्या इस बार कोई फॉर्म भरे हैं तो पहले सोचे हैं कि ये कर लेंगे हो जाएगा, इस बार जो एग्जाम देने के बाद रिजल्ट सामने आएगा वो कंक्लूजन हो जाएगा। तो हमने एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास भी करा है नए वाले कॉपी में, ठीक है, क्या नया वाला कॉपी भी ओपन कर ही लेते हैं, है ना, ज्यादा बढ़िया रहे। ये आप देख रहे हैं क्या, किसी एक्शन या डिसीजन को लेने के पहले, एक्शन बोलिए डिसीजन बोलिए, बात देखिए, हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग में पॉजिटिव चीज को भी सोचते हैं और नेगेटिव चीज को, ठीक है, क्या अगर हमको नीचे ब्यूटी पार्लर खोलना है तो उसका क्या पॉजिटिव पक्ष होगा, क्या नेगेटिव पक्ष होगा, दोनों सोचेंगे, नहीं सोचे और ऐसे ही खोल दिए तो खामियां का सामने है, पहले दो था अब एक हो गया, नहीं देखेगा जो लाइब्रेरी खुला, ऑफिस खुला, वो पहले पूरा ब्यूटी पार्लर का क्या था पार्ट, नहीं वो दोनों दुकान मिला के ब्यूटी पार्लर था, चला नहीं बेचारे का, ठीक है, क्योंकि प्लानिंग किए नहीं और खोल दिए, तो एक को छोड़ना पड़ा और एक में अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या क्या ठीक है, जो भी हो ठीक है। तो प्लानिंग आपका पॉजिटिव भी होना चाहिए, निगेटिव भी होना चाहिए, लेकिन जब एक्शन लेना है तो निगेटिव पॉइंट को भूल कर आपको उसके बारे में फेवरेबल थॉट, फेवरेबल थॉट का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव थिंकिंग करना होगा, क्या करना होगा, पॉजिटिव थिंकिंग, तभी आप डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। और जब डिसीजन यानी एक्शन लेने के पहले जो आप डिसीजन के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं वही क्या है, एजम्पशन है। एक्शन लेने के बाद तो रिजल्ट आ जाएगा और जब रिजल्ट आएगा एजम्पशन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि एजम्पशन निगेटिव होगा अगर आप उसके बारे में फेवरेबल थॉट नहीं रखेंगे, जो डिसीजन लेना है उसके फेवर में नहीं सोचेंगे तो आप डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे, ठीक है। आपके बेटा को क्रिकेटर बनाना है तो आपको फेवर में सोचना होगा, ठीक है, अगर निगेटिव माइंडेड होइएगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप डिसीजन ले लिए, उसको क्रिकेट खिलवा रहे हैं, फाइनली जब वो बड़ा होगा तो रिजल्ट सामने आएगा, तो रिजल्ट तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, हो सकता है वो इंडिया के लिए खेले भी, हो सकता है नहीं भी खेले। आपके पापा ये पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको पटना भेजे हैं कि हमारा बच्चा रिजल्ट लेकर आएगा, लेकिन जब वापस कर जाइएगा तो आप खाली हाथ भी जा सकते हैं, समझ रहे हैं, फिर तो रिजल्ट आएगा। तो कंक्लूजन जो उनके अभी तक वो ये एज्यूम करके बैठे हैं कि वो रिजल्ट लेकर आएगा, जॉब लेकर आएगा, क्या जब जाते होंगे, जब फोन पे बात होता होगा उनका मोटो समझ में आता होगा, वो एज्यूम करके बैठे हैं कि मेरा बेटा पटना में खूब मेहनत करता है, मेरा बेटी खूब मेहनत करती है, वो इधर उधर नहीं जाता है, नहीं जाती है, इस टाइम खूब पढ़ती है, रिजल्ट हो जाएगा,
बता देंगे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जब फाइनली रिजल्ट आएगा उनके सामने, अभी वो पॉजिटिव है, अभी वो क्या 100% पॉजिटिव है कि आपका रिजल्ट होगा, लेकिन जब उनके सामने कंक्लूजन आएगा तो उस समय रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी कंक्लूजन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। एजम्पशन कभी पॉजिटिव निगेटिव नहीं हो सकता, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, आपका सिलेक्शन हो भी सकता है नहीं भी। लेकिन अगर हर गार्जियन या हर स्टूडेंट यही सोच ले कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो वो पढ़ने आएगा ही नहीं। तो आपने तो सारे यही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हैं कि हो जाएगा, यानी एज्यूम हमेशा पॉजिटिव करते हैं, रिजल्ट आता है तो पॉजिटिव भी आता है किसी के लिए निगेटिव भी आता है। समझ में आ रहा है बात? तो एजम्पशन हमेशा पॉजिटिव, कंक्लूजन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, एजम्पशन कभी भी निगेटिव नहीं। तो ये वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर, बोलिए कोई डाउट? अब आप एक चीज और समझिए यहाँ पे, क्या कि हमने बोला कि एजम्पशन जो है वो डिसीजन लेने के लिए जो हम पॉजिटिव फेवरेबल थॉट्स रखते हैं उसके फेवर में, उसके पक्ष में जो अपने मन में विचार लाते हैं, जो एज्यूम करते हैं, वही क्या है एजम्पशन। एक्शन लेने के पहले की एक्शन लेने के बाद, आप होशियार बच्चे हैं, आप सोचिए कि अगर हमने ये डिसीजन लिया और आपको ऑर्डर दिया कि अक्षय एक गिलास पानी नीचे से लेकर आइए, कौन ये आदेश दिया? हम दिए। एजम्पशन दोनों तरफ से बनेगा, ठीक है? एक हमारे ऑर्डर के देने के बाद ये किस तरह से रेस्पॉन्ड, ये भी मैटर है कि अक्षय इसको किस तरीके से लेते हैं। आप सोचिए लड़के को आज गलती, कल भी हमने बोला कि चार को किताब का रूल पढ़ लेने से एजम्पशन सही हो जाए तब तो भाई हम एजम्पशन के रजे रहते, किताब तो हम कई को पढ़ लिया लेकिन किसी किताब में ये सब मिला नहीं हमको। आप भी पढ़िएगा, नहीं ही मिलेगा। आपको खुद से सोच डेवलप करना पड़ेगा, और जब खुद से आप सोच डेवलप करेंगे तो इस फील्ड में हमको सबसे ज्यादा यही समझ में आता है कि जब एजम्पशन तो दोनों साइड से बनेगा, क्योंकि ये भी कुछ एज्यूम करेगा, इतना लड़का के बीच में बोल रहे हैं पानी लाने के लिए, क्या इज्जत रहेगा, क्या वैल्यू रहेगा, मट्टी आदत है, ठीक है? इस तरह से कुछ वो सोच सकता है, हम भी सोचे होंगे कुछ। आप अभी सीखे हैं एजम्पशन के बेसिक्स को, एजम्पशन है क्या, बोलिए। वो वाला छोड़ दीजिए, हिडन पार्ट ऑफ द, वहां से सवाल सॉल्व नहीं होता, ठीक है? और सब किताब में यही लिखा हुआ है एजम्पशन का लंबा लंबा परिभाषा कि कथन का छुपा हुआ भाग एजम्पशन कहलाता है, और इस कॉन्सेप्ट से सवाल सॉल्व नहीं होता है। बगले में तो है, जाइए दो चार को किताब मांगिए, देखिए उस पैसों नहीं लगेगा, खड़ा होइए दोपहर के समय, जाइए भीड़ भाड़ कम रहता है, आराम से 10 मिनट उलट पलट के देखिए, पूरा छापे हुए है कथन में छुपा हुआ दिस दैट। इससे सवाल बनेगा? सवाल यहां से बनेगा जो किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। कैसे? सोचिए जरा, तब तक हम पानी पीते हैं, आप सोचिए जी। गुड। तो भाई डिसीजन कौन लिया? आप लिए कि हम लिए? पानी लेने लाने का डिसीजन किसने लिया? तो एजम्पशन किसका बनेगा? एजम्पशन मेरा बनेगा ना कि इस डिसीजन को लेने के पहले हमने क्या पॉजिटिव चीज सोचा होगा इस डिसीजन के फेवर में। सोचिए जरा कि ये एजम्पशन कहलाएगा कि बोलने के बाद लड़का क्या रिस्पॉन्ड लेगा। लड़का जो रिस्पॉन्ड लेगा वो तो हमारे सामने रिजल्ट के तौर पे आएगा, बोलिए। लेकिन होता क्या है, कि लड़का सवाल बनाता है, सवाल लड़का सॉल्व कर रहा है, लड़का को पते नहीं है, ठीक है? अगर कोई इधर उधर पढ़ा हो आपकी लॉज में हॉस्टल में, तो आप सिर्फ ये पूछिएगा एजम्पशन किसको करते, 100% गारंटी है हमारा कि उसको ये वाला पार्ट नहीं पता, 99% नहीं 100%, ठीक है? अगर वो कहीं पढ़ा भी है तो उसको ये पार्ट नहीं पता होगा, और नहीं पता होगा तो उसका एजम्पशन सही कहां से होगा? वो सकना है, सकता है, तीस डेट करने से एजम्पशन सही होता है क्या? नहीं सही होता। आपको बेसिक समझना होगा। लड़का सॉल्व करता है एजम्पशन, उसको रूल दूचार को लिखा दिया गया, केवल सिर्फ एकमात्र लगा रहेगा तो एजम्पशन गलत होगा, सभी सर्वोत्तम लगा रहेगा तो एजम्पशन गलत होगा, जैसे कि पपौती है कि सब में केवल सभी लगाइए क्या आएगा, सौ को में कै को में केवल लगा रहेगा, पांच को में, बाकी में कछाल बजाएगा लड़का। तो उसको बेसिक समझना होगा। अब लड़का सवाल बनाता है, और लड़का अपने तरफ से सोचता है क्या? अगर बोलिएगा कि हमारी दुकान से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदिए और 30% तक छूट पाइए, एक विज्ञापन, हमारे दुकान से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं पाइए, खरीदिए और 20% तक छूट पाइए, बाय वन गेट थ्री, एक खरीदिए और तीन ले जाइए, एक का दाम दीजिए तीन ले जाइए, ये स्टेटमेंट था। अब एजम्पशन दे दिया कि
इसको देखकर बहुत से लोग आकर्षित होंगे और दुकान तक जाएंगे। ठीक है, अब लड़का का सोचता है, जब जाते हैं तो रस्तावा में तो लिखा मिलता है बाई वन गेट टू बाई वन गेट थ्री, आज तक ना हम गए ना मेरा कोई दोस्त गया। ठीक है, ये तो गलत है कि लोग इसको पढ़ते हैं और दुकान में जाते हैं। क्या आप अगर सोचिएगा तो ऐसे ही सोचिएगा, आप कितना दुकान में किन किए बाई वन गेट थ्री देखकर, तो आप तो जो करते हैं वैसे ही सोचिएगा कि हम ना खुद गए और ना अपने दोस्त में जाते देखे, 100 में 99 बार तो हम इसको इग्नोर करते हैं और मेरा दोस्त लोग भी इग्नोर करता है, अब क्या गारंटी है कि देखकर लोग चलिए जाएगा, ये गलत। ठीक है, तो भाई साहब आपसे पूछ कौन रहा था कि आप अपने तरफ से सोचिए, आप एजम्पशन का बारीकी नहीं समझ रहे हैं। एजम्पशन है एक्शन लेने के पहले का फेवरेबल थॉट, और एक्शन आप नहीं लिए हैं, एक्शन कौन लिया है? दुकानदार। और दुकानदार इस एक्शन को लेने के पहले क्या इसके फेवर में सोचकर ये डिसीजन लिया होगा, ये आपको सोचना है। यहां आपका सोच कोई मैटर ही नहीं करता। ठीक है, लेकिन आप परीक्षा में जब बैठते हैं तो आप अपने तरफ से सोचते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, आपका कोई वैल्यू है? आपका एग्जामिनेशन में कोई वैल्यू नहीं है आप, क्योंकि वो एक्शन ले लिया छूट देने का, उसके बाद तो उसके सामने रिजल्ट आएगा कि वो सोचा था कि इतना सेल कर लेंगे, इतना सेल उसका हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, एक्शन लिया है दुकानदार ने, क्या दुकानदार ने एक्शन लेने के पहले यानी इस ऑफर को देने के पहले क्या सीजीएल टारगेट बैच ऑफर के साथ 3 दिनों का ऑफर, क्या उसके बाद 3 डेमो, डेमो के बाद सिर्फ 1 दिन का ऑफर, क्या किसी ने दिया ऐसे ही दिया कि देने के पहले कुछ प्लानिंग करा होगा, कुछ टारगेट रखा होगा, उसके बाद जो आया वो तो रिजल्ट आया कि आपने टारगेट को कितना अचीव किया, समझ रहे हैं? उसके पहले देने के पहले क्या पॉजिटिव सोचे होंगे, ये एजम्पशन है ना। क्या तो अगर बोला जाए उसको सटा के ये जल्दी से, कोई पर्व है क्या? करवा चौथ है, बढ़िया बात नहीं, लेकिन ये दूसरे पक्ष का है कुछ, ये इस्लाम धर्म के लोग जा रहे हैं। हाँ, क्या बोला? अच्छा अच्छा तो तुम भी उसमें एक आध दो वीडियो बना लेती रील। हाँ, तो आजकल तो यही सब हो रहा, मतलब कैसे लोग उतना जंक्शन पे रेलवे स्टेशन पे उतना भीड़ के सामने डांस कर ले रहा है और कर ले रही है, हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा। बोलो मैं आइए जंक्शन में, आइए हम लोग जंक्शन पे आते हैं। ठीक है, तो बेसिक समझ में आ रहा है जंक्शन, आपको अपने तरफ से तो सोचना ही नहीं है। अगर एडवर्टीजमेंट दिया किसी ने, क्या अगर बोला जाए कि 3 दिन का डेमो सुनकर बहुत सारे आएंगे, तो क्या ये सही होगा कि गलत होगा? हो सकता है नहीं, सही होगा कि गलत होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि जिसने भी डेमो अलाउ किया वो इसको इस डिसीजन को लेने के पहले यही पॉजिटिव चीज तो सोचा होगा कि एक बार लड़का क्लास में तो आए, उसके बाद तजर्बा दिखाई दे, क्या समझ में आ रहा है? एक बार आकर बैठे तो सही, बैठ जाएगा अगर तो फिर रोकना तो मेरा काम है, और कहीं हो ना हो डेमो के नाम पर आकर बैठे कि पैसा तो लग नहीं रहा है, चल के देखते हैं कि का दम है, क्या यही पॉजिटिव चीज सोचा होगा? आखिर डेमो का क्या मकसद, डेमो क्यों दिया जाता है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? यही मकसद होता है। तो आप किसी चीज के पर बोलिए तो जो सोच रहे हैं आपको सोचिए, हम टू द पॉइंट बात करते हैं, हमको ज्यादा उसमें शर्म वरम नहीं आता है। ठीक है, आपका सिलेबस खत्म करने जा रहे हैं क्या? हमको शर्म तब आता, डर तब लगता जब हमको खुद में संतुष्टि नहीं होता, हमको ये लगता कि हम न्याय नहीं किया आपके साथ, खराब पड़ रहे हैं। हमको पता है कि आइएगा तो यहाँ हम खुश करके ही भेजेंगे, तो क्या दिक्कत थी बोलने में, कोई दिक्कत नहीं। खैर, एजम्पशन को फील कीजिए, इधर उधर मत भटकिए। ठीक है, अगर इस बारीकी को आप समझ लिए तो 90% एजम्पशन आपका सिर्फ इस पॉइंट से सॉल्व होगा। इस पॉइंट को नहीं समझे तो फिर देखते रहिए यूट्यूब, रटते रहिए थ्योरी, सॉल्व होने वाला नहीं।
कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कैसे सही हो जाता है हम भी देखते हैं कभी कभी, कुछ जबरदस्ती मनवाने वाला बात हो गया कि हाँ ऐसा सर बोल रहे हैं इसलिए सही, समझ में कुछ नहीं आ रहा है सर बोल रहे हैं इसलिए सही, ठीक है। लेकिन अगर आप इस पॉइंट को समझ जाएंगे तो आप 90% चीजों को रीजन के साथ एक्सप्लेन कर देंगे कि ये इसलिए सही है, समझ में आ रहा है क्या? ज्यादा कुछ एजम्पशन में है नहीं, बस ये एक पॉइंट। लेकिन पता नहीं टीचर लोग को क्या हो जाता है कि 10 को लाइन रटवाते रहता है, मेन पॉइंट पे फोकस ही नहीं करता। खैर कहां थे हम लोग, ये पे ये क्लियर है। अगर किसी ने ये विज्ञापन दिया सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, तो वो क्या सोच कर लिखा पैकेट पे, क्या सोच कर लिखा, आप क्या सोचिएगा? लिखा तो रहता है, सब तो पढ़ता है, लेकिन सब तो पीबे करता है, तो हम पी ले रहे हैं तो क्या दिक्कत। लेकिन ये आपका सोच है, एक्शन किसी और ने लिया है, एक्शन उसने लिया है जो उस पैकेट पर लिखा है, और उसने इस लिखने के पहले, एक्शन लेने के पहले मतलब लिखने के पहले क्या पॉजिटिव थिंकिंग रखा होगा, क्या सोच कर लिखा होगा, क्या सोच कर लिखा होगा कि लोग पढ़ेंगे और नहीं पिएंगे, कि लोग पढ़ेंगे और पिएंगे। अगर वो निगेटिव माइंडेड हो जाता, क्या हमने आपको पहले भी बताया कि बाबू प्रैक्टिकल और लॉजिकल में डिफरेंस है, भयंकर डिफरेंस है, जो लिख रहा है उसको भी पता है कि लोग तो पिए रहा, लेकिन फिर भी बार बार वो प्रैक्टिकल लाइफ से हटकर लॉजिकल लाइफ में जाता है और ये एज्यूम करके लिखता है कि लोग पढ़ेंगे और नहीं पिएंगे। समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। आप देखते हैं अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, क्या सोच कर लिखा। महिलाएं बस में नहीं, देखते हैं सीट के ऊपर लिखा हुआ था महिला, कोई लिखा है, क्या सोच कर लिखा। कुछ तो माइंड में आया होगा निगेटिव कि लोग पढ़ेंगे उस पर बैठ जाएंगे, पॉजिटिव कि लोग पढ़ेंगे और महिलाओं के लिए इस सीट को छोड़ दें, लोग क्या करेंगे ये लोग का मैटर है, लोग तो बैठिया जाता है, तो आप क्या सोचिएगा कि हम भी बैठ जाते हैं। और आप क्या कीजिएगा, इससे बहस कहां किसी को, आप एजम्पशन के बारीकी को समझिए, एक्शन किसी और ने लिया है, ठीक है, वो जब देखेगा इस चीज को तो उसके लिए तो वो रिजल्ट होगा कि उसका लिखना कितना सफल हुआ, समझ में आ रहा है। लेकिन लिखने के पहले वो यही सोच के लिखा होगा ना भाई कि लोग पढ़ेंगे और नहीं बैठेंगे, लटकला गिल्ला बेटा, जगह मिलने पर पास देंगे, पढ़े होंगे ये सब ना, करेक्टर के पीछे लिखा रहता है लटकला गिल्ला बेटा, क्योंकि गांव का लड़का सब क्या करता है आप समझते हैं, कभी आप ये सब किए होंगे, चलती हुई करेक्टर को दौड़ के पकड़ना और उसपे चढ़ जाना, ये गांव की आम बात है, गांव के लिए बहुत बड़ा बात नहीं है, ये कॉमन सा बात है। रोका तो ठीक है, रोकने के लिए बोलता भी कहां है, बस चल रहा है दौड़ा चढ़, और कहीं उसमें लड़खड़ाया तो जो हुआ वो समझे, इसलिए वो लिखा रहता है, तो वो ट्रैक्टर पे इसीलिए लिखा रहता है, जो लिखा वो लिखने के पहले उसके माइंड में इतना सा पॉजिटिव इंटेंशन है कि लोग पढ़ेंगे और नहीं लटकेंगे, लोग क्या करेंगे ये तो अलग मैटर, समझ गए, जगह मिलने पर पास देंगे, ट्रक के पीछे लिखा रहता है क्या वो बताना चाहता है कि काहे फालतू में हॉर्न बजा रहे हो, जगह मिलने पर पास देंगे का मतलब क्या, क्यों फालतू में हॉर्न बजा रहे हो, जगह मिलेगा तो हम खुद पास साइड दे देंगे तुम निकल जाओ, ठीक है। कोई भी हो, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, इन्फॉर्मेशन हो, एडवर्टीजमेंट हो, कुछ भी हो, ये सारा सेक्शन इसी से डील हो जाएगा, ठीक है, कि जो ने जिसने दिया उस देने के पहले क्या सोचा। और आपको तो पता है ये एजम्पशन में हमेशा फेवर में सोचना, अगर फेवर में नहीं होगा तो वो एजम्पशन नहीं होगा, क्योंकि हमें एजम्पशन में कभी भी निगेटिव थिंकिंग नहीं रखना है, वही एक चार्ट है, ठीक है, यहां लिखा हुआ है कि द पार्ट ऑफ बिफोर एक्शन इज एजम्पशन, एक्शन के पहले का पार्ट क्या है एजम्पशन है, एक्शन के बाद कंक्लूजन आ जाता है, एक्शन हमेशा एजम्पशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, कंक्लूजन पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, री स्टेटमेंट करेक्ट एजम्पशन नहीं होगा, री स्टेटमेंट कंक्लूजन हो सकता एजम्पशन नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि आप कथन को दोहरा रहे हैं तो वो तो 100% ट्रू है, नहीं ट्रू क्या बोलिए, री स्टेटमेंट मतलब क्या, कथन को ही क्या कर देना, रिपीट कर देना, तो कथन आपका 100% ट्रू होता है, आप उसी चीज को अगर हम एजम्पशन में दें तो कथन तो 100% ट्रू था, तो एजम्पशन में अगर उसी चीज को लिखेंगे तो वो भी 100% क्या हो जाएगा ट्रू, और जो 100% ट्रू है वो एजम्पशन हुआ कि कंक्लूजन हुआ, समझ में आ रहा है, 100% की है तो वो कंक्लूजन है, वो तो एजम्पशन है ही नहीं, इसलिए री स्टेटमेंट एजम्पशन नहीं हो सकता है, कंक्लूजन हो सकता है, ठीक है, ये सारा पॉइंट आप समझ गए हैं, ठीक है। फॉर एक्सप्लिसिट यानी फॉल्स होने के लिए, क्योंकि एजम्पशन का जो आपका ऑप्शन होगा वो ऐसा नहीं होगा एक सही है, ऑप्शन होगा एक अंतर्निहित है, अंतर्निहित मतलब
एक छिपा हुआ है, अंतर्निहित मतलब क्या होता है, छिपा हुआ। इंग्लिश में उसी को बोलते हैं ओनली वन इज इम्प्लिसिट, वन इम्प्लिसिट कर रहा है। तो एजम्पशन का जो ऑप्शन होगा वो एक सही है, दो सही है, ऐसा नहीं होगा। इम्प्लिसिट अंतर्निहित है, एक्सप्लिसिट मतलब अंतर्निहित नहीं है। उसी अंतर्निहित को हम क्या मानेंगे, सही, एक्सप्लिसिट को क्या मानेंगे, गलत। तो अगर एजम्पशन निगेटिव है तो वो क्या होगा, फॉल्स, फॉल्स मतलब एक्सप्लिसिट होगा। बोल रहा है अपार्ट फ्रॉम, इसको अभी रोकिए, इसको अभी रोकिए, ये वाला पॉइंट आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि एजम्पशन में आपको इम्पैथी होना होगा। टू बी इम्पैथी का मतलब क्या हुआ, कि जो एक्शन लिया उसके जगह पर जाकर सोचना कि वो एक्शन लेने के पहले क्या पॉजिटिव थिंकिंग रखा होगा उस पॉइंट पर, ठीक है, समझ गए, क्लियर। बाकी ये जो पॉइंट है, ये पार्ट फ्रॉम एक्शन अनरिलेटेड, इसको हम थोड़ी देर बाद समझाएंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। अब आते हैं स्टार्टिंग से, रूल नंबर वन, यहां तक आप उस दिन समझ गए, ठीक है, एजम्पशन की बहुत सारी बारीकियों को आप समझ गए हैं। अब रूल पे आते हैं, पहला रूल है सब्जेक्ट मस्ट बी रिलेटेड। सब्जेक्ट मस्ट बी रिलेटेड का मतलब क्या हुआ, कि जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है आप उसी के इर्द गिर्द सोचेंगे, मतलब स्टेटमेंट के का सब्जेक्ट और एजम्पशन का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, मतलब स्टेटमेंट में जिसकी चर्चा है एजम्पशन में भी उसी पार्टिकुलर पॉइंट का क्या होना चाहिए, चर्चा, समझ में आ रहा है, दोनों का सब्जेक्ट सेम। सब्जेक्ट सेम का मतलब क्या है भाई, तो सब्जेक्ट का मतलब क्या, पूरा का पूरा लाइन सेम होगा, एक पार्टिकुलर पार्ट, एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट जिस पे पूरा कहानी दौड़ेगा और उसी के बारे में एजम्पशन में भी चर्चा हो। ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट में क्या अक्षय के बारे में चर्चा हो और एजम्पशन में अंकुश के बारे में चर्चा हो, अब तो दोनों का सब्जेक्ट सेम नहीं होगा, समझ गए, तो हम उसको क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, ठीक है, समझ रहे हैं क्या, यानी दोनों का सब्जेक्ट रिलेटेड होना चाहिए, एजम्पशन और स्टेटमेंट अनरिलेटेड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट में अक्षय, एजम्पशन में अंकुश, दोनों अलग अलग बात हो जाए, ठीक। आइए एग्जांपल देखिए, बोलता है फ्रेंडशिप इज बेनिफिशियल, दोस्ती लाभदायक है, दोस्ती क्या है, लाभदायक है, फ्रेंडशिप जो होता है वो बेनिफिशियल होता है। और एक नंबर में बोलता है इनमें इज क्या, हार्मफुल, दुश्मनी क्या है, हानिकारक है। तो भाई स्टेटमेंट में आपका दोस्ती का चर्चा है, स्टेटमेंट में किसका चर्चा है और एजम्पशन में किसका चर्चा है, क्या दोनों का सब्जेक्ट सेम है, दोनों आपस में रिलेटेड है कि अनरिलेटेड है, तो ये सही होगा कि गलत होगा, ठीक है, दोनों अनरिलेटेड हो गया। इतना इजी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, हम अभी बस आपका बेस तैयार कर रहे हैं, ठीक है, कि आप रिलेटेड और अनरिलेटेड के फर्क को समझ पाए, क्या समझ में आ रहा है, क्या क्या उतना क्यों सोच रहे हैं, स्टेटमेंट में किसका चर्चा है, एजम्पशन में किसका चर्चा है, क्या दोनों का सब्जेक्ट सेम, दुश्मनी क्या होगा नहीं होगा, इससे हमको क्या मतलब है भाई, हमको बोले हो दोस्ती के बारे में तो हम दोस्ती के बारे में सोचेंगे, ठीक है, कंट्रोल योर ओन इमोशन, इमोशन को कंट्रोल कीजिए, जितना सब्जेक्ट में बोला जाए बस उतना ही पे फोकस कीजिए, कथन में सब्जेक्ट सॉरी स्टेटमेंट में दोस्ती के बारे में बोला गया है, दोस्ती के बारे में एजम्पशन में बोलेगा तो सोचेंगे जैसे ही दिया दुश्मनी, अनरिलेटेड, गलत, ठीक है। स्मॉल वर्ड्स आर ब्यूटीफुल, यहाँ थोड़ा सा एरर हो गया है, इसको आप सुधार लेंगे, ये आर है, छोटी पक्षियां सुंदर होती है, क्लियर है क्या, छोटी पक्षियां क्या होती है, सुंदर। तो हमारा कथन का सब्जेक्ट जो है वो स्मॉल वर्ड्स है कि बिग वर्ड्स है, और एजम्पशन में किसका चर्चा है, सब बिग वर्ड्स। तो भाई बिग, जब आप स्टेटमेंट दे रहे हैं स्मॉल वर्ड्स का, तो हम बिग वर्ड्स क्या होगा, सुंदर होगा नहीं होगा, इसके बारे में कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो दो नंबर आपका फिर गलत हो गया, क्योंकि दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है, क्या है, अनरिलेटेड। लिखिए जल्दी से, ये भी आपस में क्या है, अनरिलेटेड। सलमान इज अ टॉल बॉय, सलमान एक लंबा लड़का है, बोलिए सलमान क्या है। अब बोल रहा है स्टेटमेंट में किसका चर्चा है, एजम्पशन में किसका चर्चा है, बोलता है सलमान के पापा का हाइट 7 फीट। वो स्टेटमेंट में सर आपका चर्चा है सलमान का, एजम्पशन में है चर्चा सलमान के पापा का, या सलमान के पापा का हाइट 7 फीट है इसीलिए सलमान लंबा है,
या सलमान लंबा है इसलिए सलमान के पापा का साथ टाइट है? क्या आप ऐसा एजम्पशन कर सकते हैं क्या कि बाप लंबा है तो बेटा भी लंबा ही होगा? क्या किंतु आपको बायोलॉजिकल टर्म का नॉलेज ही नहीं है? ठीक है, ये सब महिलाएं तर्क देती हैं, आप लोग महिला में नहीं आती हैं, इसलिए आप लोग प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा। नहीं पहले बता देना क्लियर है, नहीं तो पता चला दो चार को श्राप मिल गया फालतू में। ठीक है, जैसे आप लोग सुनते होंगे, अच्छा पढ़ा लिखा लोग इस तरह का तर्क देता है तो हमको और ताजुब लगता है, हम अपना बेटा का ब्याह लंबी लड़की से करेंगे, मेरा खानदान बढ़िया होगा, हम अपने बेटे का शादी गोरी चिट्टी लड़की से करेंगे, मेरे खानदान में सब काला है, गोरी लड़की से ब्याह करेंगे तो जनरेशन चेंज करेगा। ऐसा तर्क सुने होंगे आप लोग, नहीं सुने क्या? सुने तो होंगे कि सब ऐसा भी होता है, पहले से खानदान में सब कले कले है, ऐसा है कि इस बार मतलब पूरा चिट्ठा एकदम मिल्की व्हाइट लाते हैं तो जनरेशन बदल जाएगा, ऐसा तर्क होता है। बताइए लड़की के लाने से जनरेशन बदल जाएगा? कोई गारंटी है कि बचवा मम्मी पे जाएगा, बचवा पापा पे नहीं जाएगा? क्या जा सकता है? अपने आसपास नजर दौड़ा के देखो, मम्मी गोरी, बेटा बाप काला, लड़का गोरा, बेटी काली, नजर दौड़ा के देखो, 10 में से 8 जगह यही मिलेगा। ठीक है, आप अपना बेटी का ब्याह कीजिए, आपको चाहिए था गोरी लड़की, कीजिए, कहां कीजिए, भगवान भी तो सब देखता है ना, हम तो नजर दौड़ा रहे हैं, हमको अधिकतर जगह यही दिखता है, मम्मी गोरी, पापा काला सांवला, बेटा एकदम गोरा चिट्ठा, बेटी सांवली, देख लीजिए ना, दौड़ रहा है, अब सोचते रहिए। ठीक है, इसलिए इस तरह का तर्क वितर्क मत करो, जो मिले भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण करो। ठीक है, क्या अब ये अजीब तरह का तर्क है भाई, एकदम चलो ये अनपढ़ लोग बोलता है तो समझ में आता है, ठीक है ये बोलिए कि नहीं हमको गोरी चाहिए, अब उसके साथ ये कहे जोड़ देते हैं कि हमारा जनरेशन सुधर जाएगा तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, कोई अजीब बात है भाई, हाँ हमको गोरी चाहिए, खत्म कहानी है यहीं तक, इसके साथ ही वो एक्स्ट्रा लाइन जोड़ने का मतलब क्या है? सब चीज जानते हुए लड़का तो नाना नानी दादा दादी किसी पे जा सकता है, अजीब स्थिति। खैर, तो सलमान के पापा का हाइट 7 फीट है इसलिए बचवा भी 7 फीट का होगा, इस बात में कोई दम नहीं है, इसलिए ये क्या है? गलत। नीचे वाला सही है, कह रहा है एनी हाइट अबव 5 फीट 7 इंच इज कंसीडर्ड टू बी, क्या इसको छोटा करना पड़ेगा, इज कंसीडर्ड टू बी टॉल। ठीक है, 5 फीट 7 इंच से लंबा जो भी लड़का होगा उसको हम लोग टॉल की श्रेणी में, लंबे की श्रेणी में रखते हैं। बोलिए क्या दिमाग लगाना होगा, रूल भूल जाइए, लॉजिक लगाइए। ठीक है, ये रूल रटने से एजम्पशन सही होता है, सब भूल जाइए, लॉजिक लगाइए, लॉजिक। 5 फीट 7 इंच से लंबा जो होगा उसको हम लंबा की श्रेणी में रखेंगे, ये सही है कि गलत है? सही। और लोग बोलिए, उसके बाद में हम बोलेंगे, फाउंडेशन में है तो हमको टेंशन थोड़े है कि हमको एक दिन में चैप्टर खत्म करना है, हमको आपका बेस तैयार करना है। ठीक, कुछ भी आए तो आपसे बने। बोलिए सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है, एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा, हम पल भी आपको बोले कि आपको एक ऐसा सोच डेवलप करना पड़ेगा जिससे आपको एक ऐसा लॉजिक जनरेट करना पड़ेगा कि पूरे वर्ल्ड से आपका लॉजिक क्या करें, मैच करें। और इस फील्ड में जब आप जाइएगा तो सिर्फ आसपास अपना राज्य अपना देश तक सीमित मत रहिए, ये जो है लंबा मोटा नाटा गोरा काला ये सब कंपैरिजन की वस्तुएं हैं। ठीक है, क्या नहीं आपके सामने ऐसा हुआ है कभी कि आपको आपको लिखना हो मुंह से वाओ कितना गोरा है? ठीक है, क्या और उसके बाद फिर कुछ दिन बाद लगा हो कि दूर उधर कुछ है ही नहीं, उससे बढ़िया तो ये, समझ में आ रहा है क्या? तो कंपैरिजन की वस्तुएं हैं। अगर हम वेस्ट इंडीज में ले जाकर अक्षय को अंकुश को रख दें तो वहां पे ये लोग, समझ में आ रहा है क्या, समझ में, लोग आश्चर्य से देखेंगे वाओ कितना स्मार्ट है कितना गोरा है, समझ में आ रहा है, कंपैरिजन की वस्तुएं हैं। लेकिन अगर इंग्लैंड में ले जाकर रख दिया जाए, समझ में आ रहा है, सब क्या है, कंपैरिजन की वस्तु है और कंपैरिजन का कोई अंत नहीं होता, इसीलिए बोले थोड़ी देर पहले जो मिले भगवान का प्रसाद समझ लो, अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारी मैडम बहुत सुंदर है तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, और तुम्हारा को लग रहा है कि तुम्हारी मैडम बहुत खराब है तो ये भी तुम्हारी क्या है, गलतफहमी। वो
अच्छी है और उनसे भी अरबों लोग अच्छा। कंपैरिजन का ना कोई सीमा है और ना कोई अंत। आप सोचिए कि आपके भारत में 5 फीट 7 इंच का लड़का लंबा लग रहा है, लेकिन कोई ऐसा देश हो जहां का एवरेज हाइट हो 8 फीट, वहां क्या वो लंबा होगा? आपको लग रहा है कि वेस्ट इंडीज में जाकर कि हमारा से स्मार्ट कोई है या नहीं है, सही बात है, लेकिन वहीं पे जाइएगा तो आपका कोई वैल्यू ही नहीं होगा। सब डिपेंड करता है, ठीक है? इसलिए कंपैरिजन का कोई सीमा नहीं है, लंबाई गोराई मोटाई ये सब का कोई अंत नहीं। इसलिए इस तरह का एजम्पशन कभी सही नहीं होगा, आप इसको पैमाना में बांध ही नहीं सकते। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे का बात कल होगा। आगे आप लोग थोड़ा बहुत अब बना के आइएगा, ठीक ना? बाकी चर्चा हम लोग फिर करेंगे। Gracias.